गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। तो आज हम एक ऐसी जगह पर जाने वाले हैं, एक ऐसे स्थान पर जाने वाले हैं जहां पर जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि यहां पे एक ऐसी धरोहर, ऐसी ऐतिहासिक धरोहर पे जाने का सौभाग्य मिल रहा है, जहां पर बहुत ही चमत्कारी व बहुत ही फेमस जगह, जहाँ पे आजमगढ़ जिले में महाराजगंज में स्थित एक ऐसी जगह जहाँ पर आजमगढ़ ही नहीं, वहाँ से बाहर बाहर से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और ये बहुत ही फेमस जगह है। तो आज हम वहाँ जाने वाले हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आइए गाइज, अब रेडी होने के लिए चलते हैं। तो फाइनली गाइस, हम तैयार हो गए हैं जाने के लिए, आपको दर्शन कराने के लिए। तो आइए चलते हैं गाइस दर्शन कराने के लिए। तो ये सुनील भाई अब बाइक कमांड संभालेंगे। ये हमेशा लेट होते हैं। ये जो तीसरा बंदा देखने को मिल रहा है, ये हमेशा लेट रहता है। तो ये जो हंस रहा है, ये बंदा ये पीछे जो दिख रहा है, ये हमेशा कभी भी टाइम पे कहीं भी नहीं पहुंचता है। इसका टाइमिंग का पता ही नहीं है। टाइम पुलिस और हम कभी टाइम पे नहीं पहुंचते। फाइनली गाइज, हम ये आपको जहाँ पे दर्शन कराने लाने वाले थे वहाँ पे अब हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा मंदिर है, सामने आपको अभी दर्शन कराते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, आप अपना बाइक कहीं भी पार्क कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि देख सकते हैं, बाइक, कार, ऑटो, टेम्पो सब यहाँ पे, ट्रैक्टर वगैरह सब आते हैं यहाँ पर। बहुत ही पुराना मंदिर है ये, काफी साल पहले, ये बहुत साल पहले बनाया गया था, जो कि इसे, ये पुराना होने के कारण इसे तोड़ के वापस फिर से बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये परिक्रमा के लिए बनाया गया है। इसमें आप आराम से, ये मंदिर जो है भैरव बाबा मंदिर से थोड़ी सी दूरी पे है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये आप यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे दान प्रेक्षा लगेंगे, जो आपके जितना भी हो सकता है आप चढ़ा सकते हैं। आपको, आपने देखा कि हमने अभी आपको हनुमान जी का दर्शन कराया। तो आइए, इसके बगल में जस्ट कुंड है, उसके बारे में बताते हैं आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही बड़ा कुंड है, जिसे माना जाता है कि इस एरिए में 365 कुएँ थे। तो 365 में से सभी पट गए हैं, सिर्फ ये कुछ 7 कुएँ, बताया जाता है कि 7 कुएँ बचे हैं, जो अभी ये बहुत ही गहरा है। इसमें का पानी कभी सूखता नहीं है, क्योंकि ये पानी बहुत ही ठंडा रहता है। और आपको आइए दिखाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी आता है नहाते हैं अच्छे, यहाँ पे कोई भी रोग हो दूर हो जाता है। इसका पानी बहुत ही स्वच्छ है, आइए आपको दिखाते हैं। जैसे कहा जाता है कि ये पानी बहुत ही ठंडा है, जैसे आप देख सकते हैं ये पानी का कलर थोड़ा चला गया है। वैसे आप बहुत ही लोग नहाते हैं, हमेशा नहाते रहते हैं, क्योंकि ये अभी लॉकडाउन के कारण इसमें ज़्यादा आ नहीं पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से बहुत ही कम श्रद्धालु यहाँ पे आ पा रहे हैं। यहाँ पे माना जाता है कि राजा दक्ष ने यहाँ पे हवन कराया था, जिसमें शिव जी को नहीं बुलाया था। तो शिव जी जो है नहीं आए थे, तो उसके बाद सती जी आई, उन्होंने देखा कि हमारे पति का स्थान नहीं है, तो उन्होंने, आपको दिखाएंगे अभी, वहाँ पे एक कुंड है, जो कुंड में उन्होंने अपना आत्मदाह कर लिया था। आत्मदाह करने के बाद वहाँ पे एक कुंड का निर्माण हुआ और वहाँ पे 3 भैरव बाबा प्रचलित हुए। तो आइए, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं, यहाँ पे और भी बंदर दिख जाएंगे, जैसे कि आप दिखा सकते हैं उनको, छोटे छोटे बंदर हैं। Thank you.
चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम भैरव जी के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों अब हम ये दर्शन करने के लिए चल रहे हैं भैरव जी के, तो अंदर चल रहे हैं। दोस्तों ये फाइनली हम ये भैरव जी के दर्शन के लिए अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो व्यू है यहाँ पे काफी अच्छा है। तो ये साथ ही जो घंटी दिख रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो घंटी दिख रही है आपको, तो ये जो घंटी है ये मन्नत मांगने के बाद जो मन्नत पूरी होती है उसके बाद ये घंटी बांधते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो बताया था कि यहाँ पे जो सती मैया थी जिन्होंने आत्मदाह किया था, उसके बाद जो यहाँ पे प्रकट हुए थे भैरव बाबा, तो उनके बारे में आइए अब आपको हम बताते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मूर्ति में दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पे जो ऊपर जो मूर्ति दिख रही है वो वीरभद्र बाबा है, और जो बीच में मूर्ति है वो बटूक बाबा है, और जो नीचे है वो काल भैरव। काल भैरव ये तीन आप यहाँ पे देख सकते हैं, और एक बाल यहाँ पर आप देख सकते हैं शंकर भगवान की यहाँ पे मूर्ति है, शंकर भगवान के यहाँ से देख सकते हैं, जहाँ पे ये धागा बांधने का चलन है जो भी लोग मान्यता मांगते हैं अपनी। श्राप दिया क्योंकि यहाँ पे कोई भी यज्ञ और हवन पूर्ण नहीं होगा, यहाँ पे कितनी भी सामग्री हवन सामग्री लकड़ियाँ लग जाए यह कुंड राख से नहीं भरता। और दूसरी बात यह है यहाँ पे अग्निदेव हमेशा ही रहते हैं, मतलब आग कभी भी इसके अंदर बुझती नहीं है। तो यहाँ पे हमने भैरव बाबा का आपको दर्शन कराया, तो आइए अब चलते हैं यहाँ पे जो आसपास में जो जगह है वो दिखाते हैं। यहाँ पे जो मार्केट में जो लगे हुए है जहाँ पे ये आप सामान देख सकते हैं जो सामान मिलता है। तो दोस्तों जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पे सुनील भाई ये कुछ सामान लेने के मूड में लग रहे हैं, बजा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा
दोस्तों हमने दर्शन कर लिया है, हमें काफ़ी भूख लगी हुई है, अभी हम लोग कुछ खाने के लिए जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं दीपक भाई, कुछ मिला खाने को? अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, एक्चुअली 11 बज गया है लॉकडाउन की वजह से, यहाँ पे कुछ खाने का नहीं मिल रहा है। चलो देखते हैं आगे मार्केट में, क्या पता मिलता है कुछ। दोस्तों लॉकडाउन की वजह से कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ पे खाने के लिए, दुकानें सारी बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से हम लोग भटक रहे हैं क्या कर सकते हैं। हमारे भाइयों ने भी शादी नहीं की कि भाभी कुछ बढ़िया बना के खिला देंगे। हाँ अभी अंकित भाई करने वाले हैं, और जहाँ करके यहाँ पे फिर दर्शन अगेन दर्शन कराने के लिए हम आएंगे तो आपको जरूर कराएंगे। हाँ। दोस्तों तो ये दर्शन करने के बाद अब हम घर की तरफ सोच रहे हैं जाने के लिए, लेकिन हमारा एक फ्रेंड जो कुंड में नहाने के लिए बात कर रहा है, तो अब हम कुंड में नहाने जा रहे हैं, तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स कुंड में नहाने के लिए। दोस्त के कहने पे हमने यहाँ पे अच्छे से नहाया, और यहाँ पे अब हमने, यहाँ की मान्यता है कि जो भी कोई प्रॉब्लम होती है यहाँ पे नहाने के बाद ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है, जैसे शरीर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है, तो इस दोस्त ने हमें ये एडवाइस किया। फाइनली इनका थैंक यू करते हैं और हम घर की तरफ निकल रहे हैं।